हेलो, नमस्ते टू एवरी वन। आई एम धीरज फ्रॉम द स्टार स्टडी चैनल यूट्यूब। टुडे वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक मैनोमीटर। मैनोमीटर इज बेसिकली द प्रेशर मेजरिंग डिवाइस सच एज बैरोमीटर। बैरोमीटर एंड मैनोमीटर आर दोज डिवाइस विच मेजर प्रेशर। फिलहाल वी विल डिस्कस मैनोमीटर। मैनोमीटर इज दैट सेटअप या इंस्ट्रूमेंट विच मेजर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। विच मेजर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस प्रजेंट इन क्लोज कंटेनर। ध्यान दीजिएगा, आइडियल गैस प्रजेंट इन क्लोज कंटेनर विच इज कनेक्टेड विथ यू सेप्ड ट्यूब। विच इज कनेक्टेड विथ यू सेप्ड ट्यूब। वी विल डिफाइन इट लेटर। यू सेप्ड ट्यूब, वॉच इट। What is U-shaped tube and what is the figure of U-shaped tube? So we will discuss U-shaped tube later. Generally manometer में mercury को fill किया जाता है। एक बहुत ही board का famous questions है कि मैनोमीटर और बैरोमीटर में मरकरी को क्यों फिल किया जाता है। सो देयर आर फॉलोइंग रीजन टू फिल मरकरी इन द मैनोमीटर या बैरोमीटर जनरली। फर्स्ट वन इज मरकरी डज नॉट स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द ग्लास ट्यूब। कहने का मतलब है कि मरकरी बैरोमीटर या मैनोमीटर जब भरा जाता है तो उसमें ये चिपकता नहीं है। सो दे डज नॉट स्टिक टू द सरफेस ऑफ बैरोमीटर। नाउ सेकेंड वन इज सेकेंड रीजन, मरकरी इज नॉन वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर। मरकरी इज नॉन वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे वोलेटाइल नहीं होता है। एंड थर्ड रीजन इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज वेरी हाई, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यस, 1 सेंटीमीटर क्यूब को ml भी कहते हैं। सो वी कैन से दैट डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर ग्राम पर एमएल सॉरी ग्राम पर एमएल। सो तीसरा रीजन ये है कि द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज वेरी हाई ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ मरकरी। हाइट ऑफ मरकरी कॉलम विल बी स्मॉल एंड कैन बी इजिली मेजर्ड। सो हमें जब उसका डेंसिटी हाई होगा तो उसका हाइट कम होगा, तो हमें बहुत ही स्मॉल सेटअप में अपना काम सुलझा सकते हैं क्योंकि उसका हाइट कम होगा। सो दीज आर थ्री रीजन्स दैट्स व्हाई वी फील मरकरी इन द बैरोमीटर। फर्स्ट वन इज दे डज नॉट स्टिक टू द सर्फेस ऑफ ग्लास ट्यूब। सेकेंड वन इज इट इज ऑल्सो नॉन वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर। एंड थर्ड वन इज इट्स डेंसिटी इज वेरी हाई। सो अभी अभी हमने जो डिस्कस किया उसे लिख लेते हैं। वाई एच जी इज यूज इन बैरोमीटर ट्यूब। फर्स्ट वन, एच जी डज नॉट स्टिक टू द ग्लास ट्यूब। सेकेंड वन, नॉन वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर। एंड थर्ड वन, हाई डेंसिटी, डेट्स वाई वी नीड अ स्मॉल ट्यूब, अ स्मॉल ग्लास ट्यूब।
अब अगर हम बात करते हैं कि अगर बैरोमीटर या मैनोमीटर में मरकरी को ना भरा जाए, किसी दूसरे लिक्विड को भर दिया जाए, तो फिर हम कैसे करेंगे? सो देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन, Ro₁H₁ = Ro₂H₂। ध्यान दीजिएगा, रोवन का थोड़ा सिंबल ठीक नहीं है, आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा। सो देयर इज ए रिलेशन, Ro₁H₁ = Ro₂H₂। रो क्या है भाई? रो डेंसिटी, रो रिप्रेजेंट डेंसिटी एंड एच इज द हाइट ऑफ ट्यूब, हाइट ऑफ लिक्विड एंड रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो सपोज वी हैव ए ग्लिसरीन, वी हैव प्रोवाइडेड ग्लिसरीन इन ग्लास ट्यूब। सो हाउ कैन वी हैंडल इट? तो देखेंगे हम लोग, वी हैव ए रिलेशन Ro₁H₁ = Ro₂H₂। तो ग्लिसरीन का डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली 6.8 होता है, 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो 6.8 इंटू इंटू H₁ मतलब हाइट ऑफ ग्लिसरीन हमें प्रोवाइडेड होगा क्वेश्चंस में, 6.8 इंटू हाइट ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं Ro₂ हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मरकरी। तो Ro₂ इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी विच इज 13.6 एंड एच को हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ मरकरी। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमें प्राप्त होगा हाइट ऑफ मरकरी इज इक्वल टू जो भी ग्लिसरीन का हाइट होगा अपॉन टू। तो इस प्रकार हम हमें कोई भी लिक्विड प्रोवाइडेड हो तो उसका रिलेशन हम मरकरी के टर्म्स में वापस प्राप्त कर सकते हैं। सो देयर इज इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट रिलेशन इज Ro₁H₁ = Ro₂H₂। देयर इज ए फर्स्ट सिचुएशन इन ओपन एंड मैनोमीटर। गैस इज क्लोज्ड इन कंटेनर एंड दैट कंटेनर इज कनेक्टेड विथ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, दैट इज कॉल्ड मैनोमीटर। हियर नाउ वी कैलकुलेट प्रेशर ऑफ गैस। सो इफ द लेवल ऑफ मरकरी इन ग्लास ट्यूब इज सेम, देन प्रेशर ऑफ दैट गैस इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट इन सेकेंड वे, एट द बॉटम ऑफ मरकरी ट्यूब वी विल कैलकुलेट लेफ्ट हैंड साइड प्रेशर एंड राइट हैंड साइड प्रेशर। तो जब हम दोनों तरफ का प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे दोनों का मरकरी का लेवल राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों में बराबर है, तो दोनों कट जाए, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। सो डैट्स वाई वी गेट प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन इन ओपन एंड मैनोमीटर। नाउ दिस इज द सेकेंड सिचुएशन इन ओपन एंड मैनोमीटर। इफ हाइट ऑफ मरकरी इज लॉन्गर इन राइट हैंड साइड ट्यूब, मतलब लंबे वाले ट्यूब में मरकरी का हाइट अगर ज़्यादा हो, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस? सो देयर इज अ सेम प्रोसेस, वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ ईच साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एट द बॉटम ऑफ
ग्लास ट्यूब। सो राइट साइड में देखेंगे तो बॉटम पे प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो एच हाइट है, एच जो एक्सटर्नल हाइट है, डेट हाइट प्लस कॉमन हाइट ऑफ मरकरी जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में जब देखेंगे तो बॉटम पे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस प्लस कॉमन हाइट ऑफ मरकरी। तो कॉमन हाइट ऑफ मरकरी दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएंगे तो वी विल गेट प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेट हाइट डेट एक्सटर्नल हाइट ऑफ मरकरी डेट इज एच। सो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेट हाइट एच सेंटीमीटर ऑफ एच जी। दिस इज द सेकेंड सिचुएशन इन ओपन एंड मैनोमीटर। नाउ दिस इज द थर्ड सिचुएशन इन ओपन एंड मैनोमीटर। इसमें क्या है, जो राइट हैंड साइड वाले ट्यूब में है उसमें मरकरी का हाइट कम है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड जो कि गैस से कनेक्टेड है उसका मरकरी का हाइट ज़्यादा है। सो देयर इज अ सेम प्रोसेस टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस एट द लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ द मरकरी ट्यूब वी कैलकुलेट लेफ्ट साइड प्रेशर। तो लेफ्ट साइड प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस प्लस हाइट ऑफ मरकरी, एंड राइट हैंड साइड में प्रेशर ऑफ गैस सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस डेट एक्सीडेड हाइट ऑफ मरकरी। सो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस डेट एक्सीडेड हाइट जो ज़्यादा हाइट है उसका निगेटिव सेंटीमीटर ऑफ एच। सो दिस इज द थर्ड सिचुएशन इन ओपन एंड मैनोमीटर। नाउ देयर इज अ सिचुएशन क्लोज एंड मैनोमीटर। तो इसमें यू शेप जो ट्यूब होती है उसकी दोनों साइडें क्लोज्ड होती है, एक तो गैस के कंटेनर से कनेक्टेड होता है और दूसरी साइड जो ओपन एंड में खुली होती थी जहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आती थी, नाउ डेट पार्ट आल्सो क्लोज्ड। सो डेट्स व्हाई वी कॉल हिम क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट प्रेशर ऑफ गैस। सो देयर इज अ सिंपल रूल, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू डिफरेंस इन हाइट ऑफ एच जी इन टू डिफरेंट लिम्ब्स। मतलब दोनों यू शेप्ड ट्यूब में मरकरी के हाइट का डिफरेंस जो होगा वही प्रेशर ऑफ गैस होगी। सो दिस इज द सिंपल, या वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट एज प्रीवियसली दोनों बॉटम पे दोनों राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों का प्रेशर इक्वेट कर देंगे। सो डेट्स वाई वी ऑल्सो कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस इन क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशंस रिगार्डिंग मैनोमीटर फ्रॉम आवर साइड। इफ यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय माय वीडियोज या लेक्चर्स देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट्स द वीडियोज। Thanks for watching.